जमाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, आसाराम बाप में रहता है। पहले किसकी थी वो सलवार जिसको आप पैर के बाद देते, ध्यान रखना इतने ज्यादा टाइम मत। 1987 किसान यूनियन के आंदोलन का सिपाही हूँ, 17 बार सरकार की जेल में जा चुका हूँ, तैयारी कर लो और 18वीं की तैयारी है। दूसरी चीज, एक चीज बताता हूँ, देखिए हम किसान के बेटे हैं तो किसान का जो हमारे पिता है वही हमारे गुरु हुए, हमें हल चलाना सिखाते हैं, फावड़ा चलाना सिखाते हैं, तो जो गुरु ज्ञान देता है शिष्य में वही ज्ञान आता है। और जितने बीजेपी वाले बैठे सारे आसाराम और राम रहीम के चेले हैं, तो कौन सा ज्ञान आएगा बेटे? दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, आसाराम बाप में रहता है। और रही बात महिलाओं की, जो कुछ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को जाने की क्या जरूरत है, तो इनमें निकम्मों को बता दूं, शिक्षा की लड़ाई हो सावित्री बाई फूले लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई हो झांसी राई रानी लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई हो मुगलों से लड़ाई हो झांसी की रानी लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई हुई लड़ी, आज हमारी बहन हमारे साथ लड़ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी हमारी बहन बेटी है सब आंदोलन में आके ऐसी बहनों का समर्थन करें, हमारा समर्थन करें। ये जन आंदोलन है जो लोकतंत्र को और लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आपको बता दूं, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, 1987 किसान यूनियन के आंदोलन का सिपाही हूँ, 17 बार सरकार की जेल में जा चुका हूँ, 18वीं तैयारी कर लो और 18वीं की तैयारी है चोरा मिलाने के लिए। और ढोंगी बाबा तुझे चैलेंज है, हमारी बेटियों को मत छेड़े, उनके बाप अभी जिंदे हैं, आ रहे हैं जब चाहिए जब बुला लिए आ रहे हैं। चलिए आप तीनों की दहाड़ अब कहाँ जाती है ये बताइए, और ढोंगी बाबा तक और तड़ी पार तक जाएगी, आगे तक पहुंचेगी ये आवाज। किसान एकता।